इस फिल्म का नाम है द मैसेंजर। ये कहानी शुरू होती है एक डरावने पुराने घर। इस कहानी की शुरुआत में दिखाते हैं कि कोई दो औरतों की जान ले रहा है और उनके साथ एक छोटा बच्चा है जो कि बहुत डरा हुआ है और एक कैबोर्ड में छुपा हुआ है। कुछ समय बाद उस बच्चे के पास एक हाथ आता है और उसे खींच लेता है। अब ये घर सुना सुना है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। कुछ दिनों बाद उसी घर में रहने के लिए एक परिवार आ जाता है। रॉय और उनकी पत्नी जेसी और बेन, जो उन दोनों के बच्चे हैं, ये चार लोग रहते हैं। वह चारों उस घर में जाते हैं। जेसी को एक कैबोर्ड मिलता है, उसे वो खोलती है। उसमें एक बच्चे का खिलौना होता है। वो उसे बाहर निकालती है और ऊपर टेबल पर रखती है। उसी रात रॉय जेसी से पूछता है घर कैसे लगा, पर जेसी कहती है कि इस घर में खामोशी बहुत है। रॉय बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। धीरे धीरे वो परिवार वहाँ पर सेटल हो जाता है और रॉय वहाँ पर खेती करना चाहता है क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं होती। एक दिन रॉय अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो रॉय से कहता है कि मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ और 15% का एक्स्ट्रा का भी ऑफर देता है, पर रॉय ठुकरा देता है। रॉय की वाइफ और बेन बैठे होते हैं, तभी और वाइफ को दीवार पर कुछ गंदगी दिखती है, वो उसे साफ करती है। रॉय एक दिन सोने जा रहा होता है, तभी देखता है कि उसका बेटा बेन किसी के साथ खेल रहा है और वो अपनी खाट पर से नीचे उतरा है जबकि वो छोटा है। रॉय उसे खाट पर सुलाकर चला जाता है, लेकिन बेन फिर से खेलना शुरू कर देता है। वहीं पर रॉय और जेसी दोनों खेती के लिए बीज लाने शहर जाते हैं। बीज की दुकान में जाते ही जेसी बोलती है कि पापा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर घूम के आती हूँ। रॉय कहता है कि ठीक है जाओ, पर बस थोड़ी देर के लिए। जेसी एक ग्राउंड पर जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात बॉबी नाम के लड़के से होती है। बॉबी कहता है कि अगर तुम्हें एतराज नहीं है तो मैं तुम्हें अपना शहर दिखा सकता हूँ। जेसी कुछ कहती तभी रॉय उसे लेने वहाँ पर आता है। दोनों घर पहुँचते हैं। जेसी कहती है मैं किचन में माँ की हेल्प करती हूँ और चली जाती है, और रॉय अपनी गाड़ी से सामान उतर रहा होता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे कौवे आ जाते हैं और रॉय पर अटैक करते हैं, पर वहाँ पर एक आदमी आता है और अपनी गन से हवा में गोली चलाता है और सारे कौवे भाग जाते हैं। रॉय उससे पूछता है तुम्हारा नाम क्या है और क्या करते हो। वो बताता है कि मेरा नाम जॉन है और मेरे पास कुछ काम नहीं है। रॉय उसे अपने खेत में हाथ बटाना चाहे तो बटा सकता है, पर मैं तुम्हें रहने के लिए जगह और खाने के अलावा कुछ नहीं दे सकता। वो मान जाता है। जेसी माँ से पूछती है कुछ काम है क्या। माँ कहती है कुछ सामान है, उसे बेसमेंट में रखो। जेसी सामान लेकर बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर उसे एक पेंडेंट मिलता है। उसे कछ आगे जाती है और वहाँ पर एक कौवा पड़ा होता है। जेसी उसे एक लकड़ी से टच करती है मगर कौवा उड़ जाता है। जॉन और रॉय दोनों खेत का काम शुरू करते हैं। एक दिन रॉय के हाथ में चोट आती है, इसलिए रॉय और उसकी पत्नी दोनों अस्पताल जाते हैं और घर पर बेन और जेसी रहते हैं। तभी जेसी को कुछ आवाजें सुनाई देती है और वह बाहर चली जाती है। उसे लगता है कि वहाँ कोई है पर कोई नहीं होता, लेकिन अचानक सामान गिरने लगती है। वो बेन की तरफ भागती है पर बेन वहाँ पर नहीं होता। वो यहाँ वहाँ बेन को ढूंढती है। उसे बेन का खिलौना बेसमेंट में दरवाजे के पास मिलता है पर बेन नहीं होता। जेसी को लगता है कि बेन बेसमेंट में गया है, इसलिए वो बेसमेंट में जाती है, लेकिन बेन जेसी को कॉरिडोर में दिखाई देता है। जेसी जैसे ही बेन की तरफ बढ़ती है तभी बेसमेंट में से कुछ हाथ बाहर निकलते हैं और उसे खींचने लगते हैं। जेसी किसी तरह अपने आप को बचाकर बेन को लेकर भागती है, दरवाजे खोलकर बाहर जाने की कोशिश करती है पर जा नहीं पाती। तभी बाहर जॉन आकर खिड़की से उन्हें बुलाता है। तभी जेसी बेन को जॉन के हाथ में देती है और खुद भी खिड़की से बाहर निकलती है। वो बहुत डर जाती है। उसी वक्त रॉय और उसकी पत्नी घर लौटती है और उनके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियां होती है। वो दोनों अंदर भागते हैं पर पुलिस कहती है कि यहाँ पर कोई नहीं था। जेसी ने डर कर घर की तोड़फोड़ कर दी है और पुलिस चली जाती है। जो हुआ वो जेसी अपने माँ बाप को बताती है, लेकिन वो उसका विश्वास नहीं करते। वो बहुत दुखी हो जाते हैं। उसी रात जेसी बेन के रूम में जाती है। बेन से पूछती है कि वो कौन है, कहाँ है, मुझे बताओ, और बेन एक तरफ हाथ दिखाता है। जेसी को भी लगता है कि वहाँ पर कोई है। वो पीछे मुड़कर देखती है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। दूसरे दिन जेसी बॉबी से मिलती है और उससे पूछती है कि हमारे घर में हमसे पहले जो फैमिली रहती थी उसके बारे में तुम जानते हो क्या। पर वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो घर डरावना है। जेसी वहाँ से चली जाती है। घर आने के बाद जेसी फिर से बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर उसे एक ड्राइंग मिलती है जिसमें दो औरतें, एक बच्चे और एक कौवा होता है। तभी उसके पीछे दलदल बननी शुरू हो जाती है। उसे देखकर जेसी डर जाती है। तभी उसमें से कुछ हाथ बाहर निकलते हैं और उसे खींचने लगते हैं। वो खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वो दलदल में गिर जाती है, लेकिन दलदल अपने आप ही गायब हो जाता है। जेसी बहुत
बहुत घबरा जाती है और खिड़की से बाहर देखती है। तभी वहाँ पर उसे उसके डैड और जॉन दिखाई देते है। वो कुछ बातें कर रहे होते है। अगले दिन सुबह जॉन को कहती है कि कोई मुझसे मदद चाहता है। जॉन कहता है कि जो तुमने देखा है उसको तुम ही समझ सकती हो। दूसरे दिन वो खिड़की से बाहर देखती है पर उसे खेत में एक लड़की दिखाई देती है। वो उसे देखने के लिए खेत में जाती है। वहाँ पर एक कौवा आता है और जैसे उस कौवे का पीछा करती है लगता है कि उसके पीछे से कोई गुजरा है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। उस कौवे का पीछा करते करते जैसे एक पास के ग्राउंड में जाती है। वो यहाँ वहाँ देखती है पर वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन बाद में एक कोने में उसे एक लड़का दिखता है। जैसे उसके पास जाती है और वो वही बच्चा है इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं। जैसे उस बच्चे को देखकर इतना घबरा जाती है कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। और अस्पताल से वापस आते समय माँ बाप से कहती है कि अब मैं इस घर में नहीं रहना चाहती, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसके माँ बाप उस पर विश्वास नहीं करते। वो कहती है कि पिछले कुछ सालों में हमने बहुत नुकसान सहा है, अब खेत में फसल तैयार हो चुकी है और इसके लिए हम दोनों ने बहुत मेहनत की है और हमारे 20 सालों की कमाई हमने बेन के इलाज में लगा दी है। अब ये फसल ही हमारी उम्मीद है और बेन का इलाज भी जैसी की वजह से ही हो रहा था। जैसी के माँ बाप कहते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है और जैसी बोलती है कि आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते, अगर हम यहाँ पर रहे कोई भी कभी खुश नहीं रह पाएगा और गाड़ी से उतर कर भाग जाती है। सभी घर में आते है। जैसी अपने रूम में जाती है और बेसमेंट में मिले हुए पेंडेंट को वो खोलती है और देखती है उस पेंडेंट की एक तरफ एक लड़की की फोटो होती है और दूसरी तरफ घड़ी होती है। तभी जैसी अपने कमरे की खिड़की से कूद कर भाग जाती है। रॉय उसे देखने ऊपर जाता है। जैसी अपने कमरे में नहीं होती तभी रॉय गाड़ी लेकर जैसी को ढूंढने बाहर निकल जाता है। जैसी जा रही होती है वहाँ पर उसे बॉबी मिलता है और वो सब कुछ बॉबी को बताती है। बॉबी पूछता है कि तुमने अपने माँ बाप से बात की, लेकिन जैसी बोलती है कि नहीं वो मेरा विश्वास नहीं करते। बॉबी बोलता है क्यों? जैसी कहती है कि एक दिन बेन को घर लाने में गई थी और आते समय दोनों का एक्सीडेंट हो गया था, हम दोनों तो बच गए लेकिन तब से बेन बोल नहीं पाता। बॉबी जैसी पर विश्वास करता है और दोनों एक स्टोर में जाते हैं। ये वही स्टोर होता है जहाँ पर जैसी और रॉय खेती के लिए बीज खरीदने आए थे। तभी उसने वहाँ की नोटिस बोर्ड पर पेंडेंट वाली औरत का फोटो देखा होता है। फिर से जैसी उस फोटो को देखती है और पूरे परिवार की फोटो होती है। उस परिवार में कुल मिलाकर 4 लोग होते हैं, उनमें से और एक फोटो जॉन की होती है जो अब उनके साथ रहता है, जो उनकी खेती में मदद करता है। और जैसी को सब कुछ समझ आता है क्योंकि जॉन का ही परिवार होता है जो रॉय की परिवार से पहले वहाँ पर रहता था और जॉन ने ही अपने परिवार का खून कर दिया होता है। और इस कहानी की शुरुआत में जो हत्या दिखाई गई थी वो जॉन ने ही की थी क्योंकि जॉन दिमागी तौर पर ठीक नहीं था और उसके परिवार की फोटो स्टोर में इसलिए थी क्योंकि सनफ्लावर की खेती अच्छी होने के लिए जॉन के परिवार का फोटो अखबार में आया था, इसलिए स्टोर के मालिक ने उसे कट करके स्टोर में लगा रखा था। अब जैसी किसी भी तरह वो घर जाना चाहती है और अपने परिवार की जान बचाना चाहती है। और दूसरी ओर बेन और उसकी माँ घर पर अकेले होती है। वो बेन को खाना खिला रही होती है और बेन से पूछती है कि तुम्हारी दीदी ठीक हो जाएगी ना। तभी बेन अपने हाथ की उंगली से इशारा करता है। उसकी माँ पूछती है वहाँ पर कौन है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। माँ पूछती है वो कैसे दिखता है। तभी बेन अपनी आंखों के नीचे की स्किन को खींचता है जिससे बेन की माँ डर जाती है और बेन को सुलाने जाती है। लेकिन तभी उसका ध्यान दीवार पर जाता है जहाँ से एक साया आना शुरू हो जाता है और वो साया औरत का होता है जिससे बेन की माँ डर जाती है और किसी तरह घर से बाहर जाना चाहती है। और तभी खेत में हजारों कौवे आ जाते हैं और जॉन खेत में काम कर रहा होता है। सारे कौवे जॉन पर हमला करते हैं और उसको जख्मी बनाते हैं। अब बेन की माँ यहाँ से बाहर जाना चाहती है। वो समझ जाती है कि जैसी जो भी बोल रही थी वो सच था। बेन का सामान बाहर रख रही होती है, जॉन देखता है। तभी उसी समय उसे पागलपन का दौरा पड़ता है। वो उसके पास जाता है और उसे कहते है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मेरी, यानी कि मेरे उसकी पत्नी का नाम होता है। जॉन उसे मार चुका होता है और अब बेन की माँ उसकी मेरी दिखाई देती है। जॉन बेन की माँ पर हमला करता है लेकिन बेन की माँ बेन को लेकर बेसमेंट में जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। जॉन बेसमेंट के बाहर होता है। तभी वहाँ पर जेसी और बॉबी दोनों आते हैं, दोनों घर के अंदर, लेकिन जॉन उन पर हमला कर देता है। इस हमले में बॉबी बेहोश हो जाता है। जेसी बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर बेन और उसकी माँ दोनों होते है। बेसमेंट का दरवाजा फिर से बंद कर देती है। उसकी माँ जेसी से माफी मांगती है लेकिन तभी जॉन फिर से हमला कर देता है। बेसमेंट का
दरवाजा तोड़ता है, लेकिन वहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है। तभी बाहर रॉय होता है और वो अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में आ जाता है, लेकिन जॉन उस पर हमला करके उसे घायल बना देता है। वो जेसी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर दलदल बननी शुरू हो जाती है। जेसी जॉन को दलदल में ढकल देती है। जॉन अंदर डूबता है, तभी उसमें से हाथ बाहर निकलते है, जॉन को अंदर खींच लेते है, लेकिन जॉन जेसी का पैर पकड़ लेता है। जॉन अपने साथ अंदर खींचना चाहता है, तभी वहाँ पर रॉय और जेसी की माँ आ जाते हैं और उसे खींच लेते हैं। इस तरह से जेसी की जान बच जाती है, लेकिन जॉन का अंत उसी के परिवार की आत्माओं के साथ होता है। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस आती है और पुलिस भी आती है। रॉय को एम्बुलेंस से अस्पताल लेके जाते हैं। कुछ दिनों बाद ये दिखाते है कि रॉय की फैमिली अब यहाँ पर खुशी से रह रही है। यहाँ अब कोई आत्मा नहीं है और बेन जो की बोल नहीं पाता अब वो बोल सकता है, और बॉबी जो जेसी का दोस्त था अब रॉय को खेती में मदद करता है। इसके साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। शायद अब तुम भी आ रहे हो।